इंदौर से जहां पर शहर में डेंगू और स्वाइन फ्लू के बाद अब कांगो बुखार की दहशत लोगों को डरा रही है। गुजरात और राजस्थान में कांगो बुखार से मरीजों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस घातक बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण मलेरिया और डेंगू से त्रस्त प्रदेश में कांगो बुखार की आशंका से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पशुओं में होने वाली इस बीमारी से अब इंसान भी प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात और राजस्थान से मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों के आने जाने के कारण सरकारी अफसरों को इस बीमारी के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक प्रदेश में अब इस बीमारी का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर राज्य के सभी 52 जिलों को और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को, सिविल सर्जनों को, सरकारी अस्पताल के अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया गया है। हमारे प्रदेश में एक भी प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है, पर कोई भी बीमारी हो उसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। इसको भी हम गंभीरता से लेते, जिस प्रकार से हमने स्वाइन फ्लू को एक चुनौती के रूप में लिया था, इसको। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता दीपिका अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दीपिका, दरअसल क्या कुछ है पूरा मामला? आज देखिए, अब पिछले जो है डेंगू और मलेरिया के बाद स्वास्थ्य का जो है सरकार चिंतित नजर आ रही थी, लेकिन अब कांगो बुखार के नाम से जानवरों में फैलने वाली जो बीमारी है वो अब इंसानों में फैलने की जो है आशंका से जो है वो सरकार जो है फिलहाल सतर्कता बरतती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से गुजरात और राजस्थान में कांगो बुखार के मरीज सामने आ चुके हैं और वहाँ पर कुछ मरीजों की मौत भी जो है वो इस बुखार की वजह से हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है वो इस बुखार को लेकर, इस बीमारी को लेकर चिंतित है। और इसी वजह से प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए सभी 52 मुख्यालयों के चिकित्सालयों पर और जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर अलर्ट जारी किया है, ताकि किसी भी मरीज में यदि कोई भी संदिग्ध लक्षण नजर आते हैं तो उनको जो है सतर्कता में रखा जाए, उनके उनको लेकर जो है निगरानी बरती जाए, ताकि इस बीमारी के जो है लक्षण शुरुआती दौर में जानकर इसका जो है वो इलाज किया जा सके। हालांकि दीर्घा, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि अभी तक कोई इस बीमारी से ग्रसित मरीज देखने को नहीं मिला है, लेकिन अलर्ट जारी किया गया, आपके संज्ञान में कोई ऐसा मरीज आया है दीपिका? आज देखिए, फिलहाल इस बीमारी का कोई मरीज संज्ञान में नहीं आया है और ये बेहद ही सुखद बात भी है प्रदेश के लिए कि इस बीमारी की आहट की जरूर बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी से फिलहाल प्रदेश सुरक्षित है। जब तक कोई मरीज सामने नहीं आता, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है इसको लेकर सतर्कता बरतती जरूर दिखाई देगी। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बीमारी को लेकर चिंता जाहिर किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बीमारी को लेकर सरकार अलर्ट है और जितने भी मुख्यालय है, जिला मुख्यालयों पर खासकर जो चिकित्सकीय सेवा देने वाले डॉक्टर्स हैं उनको अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह के लक्षण यदि किसी भी मरीज में नजर आते हैं तो उसकी जो है वो इलाज, बेहतर इलाज किया जाए, ताकि इस बीमारी का जो है वो निपटारा किया जा सके। जी शिवम, दिव्या, आपने जानना चाहेंगे दरअसल कांगो बुखार होता क्या है, जिसके चलते मतलब पूरे मध्य प्रदेश में इतना दहशत का माहौल है कि लोग डरे हुए हैं, पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया, अस्पतालों में सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, ऐसा क्या है कांगो बुखार? आज देखिए, आपको बता दें कि ये जो बुखार है ये असल में जानवरों में फैलने वाली बीमारी है, लेकिन अब इस बुखार, इस बीमारी के जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं इंसानों को भी प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गुजरात और राजस्थान जो कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है, यहाँ पर इस बीमारी के जो मरीज है वो सामने आए हैं और उनमें शुरुआती तौर पर बुखार आने जैसी और हाथ पैर दुखने जैसी और समस्या जो है वो सामने आई थी, लेकिन बाद में जो है मरीजों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि कुछ मरीजों की जो है मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार भी चिंतित है और बीमारी से निपटने के लिए सतर्कता के बतौर पहले से ही जो है वो सजगता दिखाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और इस बीमारी को लेकर जितनी गंभीरता सरकार बरत सकती है उतनी गंभीरता बरती जा रही है। जी शिवम, अगर कांगो बुखार से कोई ग्रसित मरीज मिलता है तो उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जाए, चिकित्सा अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है उनका? आज देखिए, इस मामले में जिम्मेदारों का साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई भी मरीज सामने आएगा तो उसको सबसे पहले उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जिस तरह से उसको इलाज की जरूरत होगी प्राथमिक इलाज देने के साथ ही जितने भी शासकीय अस्पताल है इन अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, ताकि शुरुआती दौर में ही जो है बीमारी के लक्षण जानकर इस बीमारी को जो है दूर किया जा सके। खास तौर पर जो अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत सभी चिकित्सकीय जो अस्पताल है
वहाँ पर ये सुनिश्चित किया गया है कि सामान्य तौर पर जो वायरल बुखार है उससे अलग यदि किसी भी तरह के लक्षण मरीजों में नजर आते हैं तो उसे वरिष्ठ अधिकारियों को जो है वो संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि ऐसे मरीजों की जो है वो अच्छे से मॉनिटरिंग करके इस बीमारी की जो है वो पड़ताल की जा सके। जी शिवम, अगर कोई कांगो बुखार से ग्रसित कोई मरीज मिलता है दीपिका, तो उसकी रोकथाम के लिए उपाय है, प्रदेश में सारी सुविधाएं हैं, जिसके चलते अगर कोई इस तरह का मरीज पाया जाता है तो उसका निराकरण सही से हो पाए बीमारी का? आज देखिए, शुरुआती दौर में जो है वो मरीज यदि सामने आता है तो सरकार का ही कहना है कि शुरुआती दौर में जो है सरकार पूरी तरह से सजग है और सतर्क है, और यदि कोई मरीज सामने आता है तो उसके इलाज के लिए जो है वो बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं भी उस मरीज को मिलेंगी। जितने भी शासकीय अस्पताल है, खासकर जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर सभी डॉक्टर्स को जो है वो अलर्ट किया जा चुका है। और मेरा सवाल ये है दीपिका कि मध्य प्रदेश में इस बीमारी से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है अस्पतालों के भीतर? आज देखिए, फिलहाल इस मरीज का कोई भी इस बीमारी का जो है वो कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। ऐसे में ये कह पाना जो है थोड़ा सा कठिन होगा कि क्या सरकारी अस्पताल इस बीमारी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जब भी कोई मरीज सामने आएगा उसी समय जो है वो हालात सामने आएंगे। हालांकि शासकीय तौर पर ही कहा जा रहा है कि यदि कोई मरीज सामने आता है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए सभी शासकीय अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी शिवम, शुक्रिया दीपिका जानकारी को साझा करने के लिए।